हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज इट गाइस। आज मैं बिहार मद्य निषेध का जो लास्ट ईयर का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि अगर आपका रिस्पांस अच्छा आता है तो मैं सॉल्यूशन वीडियो लेकर आऊंगा। तो लीजिए, आपके सामने पेश है ये पूरा सॉल्यूशन वीडियो जिसमें मैं हर क्वेश्चन को काफी डिटेल्ड में एनालिसिस करूंगा और उसके अभी जो करंट में कुछ अगर इंसिडेंट उससे रिलेटेड हुए हैं तो वो भी डिस्कस करूंगा। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में होंगे लेकिन मैं जो आपको एक्सप्लेन करूंगा वो हिंदी में करूंगा। किसी भी लैंग्वेज को यहाँ से हूँ आपको फायदा मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें और भी अच्छा करने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। बोल रहा है कि भारतीय सेना का पहला CDS कौन थे। ऑप्शंस देखिए, जनरल MM नरवणे, जनरल बिपिन रावत, एडमिरल करमवीर सिंह, एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इसका जो सही आंसर है वो है जनरल बिपिन रावत। ठीक है, जो हमारे देश के पहले CDS हुए वो जनरल बिपिन रावत हुए। अनफॉर्चुनेटली उस समय पहले लास्ट ईयर इनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया, ये शहीद हो गए। और अभी करंटली जनरल अनिल चौहान, नाम याद रखिएगा, जनरल अनिल चौहान भारत के नए CDS हैं। तो यहाँ से दो सवाल उठते हैं, इंडिया का फर्स्ट डिफेंस जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सेकंड CDS जनरल अनिल चौहान जो अभी करंट में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। आपने अक्सर ब्लड अगर डोनेशन किया होगा या फिर आप अगर ब्लड टॉपिक पढ़ा होगा तो ये वर्ड आपने सुना होगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो हमारा प्रेजेंट होता है RBC में होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं इसको। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को, ध्यान से सुनिएगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लंग्स से यानी फेफड़े से बॉडी टिश्यूज में कैरी करता है। तो हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेट लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 2011। 2011 में जो सेंसस हुआ था, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं सेंसस आपको पढ़ के जाना ही होगा। 2022 में भी आने वाला था, अभी तक आया नहीं है, होप सो अभी आ जाए। 2011 का सेंसस के अनुसार भारत की लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर कितनी थी। ऑप्शन है 65, 85, 78, 73। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, जो ओरिजिनली जो भारत का लिटरेसी रेट था एज पर सेंसस 2011 वो था 74.4%, 74.04%, यानी 74% मान के चल सकते हैं। तो जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो है 73%। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोक्सीमेट, मोस्ट एक्यूरेट जो आंसर होगा वो होगा 73%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हु डिड डिस्कवर अमेरिका। अमेरिका की खोज किसने की, ये तो आपको पता ही होगा, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कोलंबस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। मैथ्स से क्वेश्चन है, मैथ्स को थ्योरी में क्वेश्चन पूछा गया है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, जो ये साइन होता था आपका और ऐसे करके। ठीक है, तो उसमें कौन सा क्रिटेरिया से हम कंग्रुएंसी प्रूव नहीं करते हैं। SSS साइड 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 इससे प्रूव होता है, SAS साइड एंगल साइड से भी प्रूव होता है, SSA साइड साइड एंगल इससे भी प्रूव होता है। इसके अलावा एक और है RHS, एक और है RHS उससे भी प्रूव होता है, अगर 90 डिग्री हो तो राइट अपोनियन साइड से हम लोग कंग्रुएंसी प्रूव करते हैं, लेकिन ट्रिपल ए से कंग्रुएंसी नहीं प्रूव होता है। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ क्रिटेरिया फॉर कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, तो ये हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, इंग्लिश से क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट। ना ही बॉयज प्रेजेंट थे और ना ही टीचर प्रेजेंट थे। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा, जब भी नाइदर वर्ड यूज होता है तो उसके साथ हमेशा नॉर यूज होगा, नाइदर के साथ नॉर। Neither the boys, यानी boys में से कोई नहीं, यानी singular की बात हो रही है,
वॉइस देख के ये मत समझ लेना है प्लूरल है। नॉर द टीचर, टीचर भी यहां पर एक ही है, तो जब एक होगा तो आप खुद बता दो इज लगेगा या आर लगेगा या वेयर लगेगा। आपको पता है जब भी एक बंदे की बात होती है, जैसे अगर मान लो ही, तो ही के साथ हमेशा हम इज लगाते हैं न कि आर लगाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा इज, नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर, ठीक है, इज प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ मेडिकल टेक्निक बेस्ड ऑन मैग्नेटिज्म। आपने अक्सर सुना होगा, अगर आपको अगर कहीं से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो इनिशियली पता नहीं चले, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एक एमआरआई स्कैन आपने सुना होगा ना, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये टेक्निक इसलिए यूज किया जाता है ताकि किसी भी बॉडी पार्ट का, किसी भी ऑर्गन का डिटेल्ड इमेजिंग लिया जाए, यानी उसका उसके पूरे तह तक इमेजिंग किया जाए, इमेजिंग मतलब उसका पूरा पिक्चर बाहर आ पाए, जैसे जैसे एक्सरे होता है वैसे ही एमआरआई होता है, लेकिन इसमें मैग्नेटिज्म का यूज होता है, तो इसका सही आंसर होगा एमआरआई, एनआरआई तो आपको पता ही है। पॉलिटिकल पार्टीज आर एसेंशियल इन, अब इसको ध्यान से पढ़िएगा, इंडियन पॉलिटी का सवाल है। पॉलिटिकल पार्टी जैसे बिहार से अगर मैं लेके चलूं जेडीयू, आरजेडी, रालोसपा, तो ये सब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं, तो ये जो फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी जनरली आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिलेंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या होता है आपने पढ़ा होगा, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। पॉलिटिकल पार्टीज, हमारा जो देश है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक है, और यहाँ पर हमें पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती है, इसका सही आंसर होगा डेमोक्रेसी। डिक्टेटरशिप ये सब में तो एक राजा होता है, वो जो बोलेगा वही होगा, जैसे नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम, जब भी नॉट का सवाल आए इसको पहले आप अंडरलाइन कर लो, हमें टिक करना है नॉट। अब नेचुरल इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, वो इकोसिस्टम जो नेचुरली बना हो, जिसमें ह्यूमन ने कभी एफर्ट नहीं डाला। अब आप खुद सोचो, फॉरेस्ट, क्या फॉरेस्ट हमने बनाए, नहीं, क्या रिवर हमने बनाए, नहीं, क्या डेजर्ट हमने बनाए, नहीं, तो जब फॉरेस्ट हमने बनाए नहीं, तो इसके जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम मतलब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जहां पर मर्ज करे, जैसे फॉरेस्ट में आपका पेड़ होगा, जीव जंतु होंगे, सॉयल होगा, जो भी होगा, ये सबसे बनता है इकोसिस्टम, तो ये ना हमने हमने नहीं बनाए। रिवर का भी जो भी सेम सिस्टम होगा, फ्लोरा फौना जो भी होते हैं वो भी हमने नहीं बनाए। डेजर्ट इकोसिस्टम, जो भी मरुस्थली जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो सब वही हमने नहीं बनाए हैं। गार्डन, गार्डन एक्चुअली हमने बनाए, क्योंकि गार्डन नेचुरली तो बनता नहीं है, गार्डन तो हम डेवलप करते हैं अपने घर के अगल बगल, खुद से हम पेड़ लगाते हैं, तो वो गार्डन का जो बनाने का चीज वो मैनमेड है, इसलिए गार्डन नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, इसका सही आंसर होगा गार्डन। पूछ रहा है बेकिंग सोडा इज, यानी आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, तो इसका सही आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, फिर से इंग्लिश का क्वेश्चन है, इफ ही खाली स्थान वी वुड गो, अगर वह खाली स्थान हम लोग जाएंगे, यानी ये वुड है फ्यूचर में, ठीक है। अब इफ ही हैड कम, अगर वो आया होगा ऐसा कुछ सेंस आ रहा है, ये गलत है, ये पास्ट की बात हो रही है। अब इस क्वेश्चन को फिर से एक बार सोचो, अगर वो आता है तो हम जाएंगे ऐसा बोला जा रहा है, ही के साथ लगता है भर्ब का पांचवा रूप, यानी जिसमें एस या ईएस, ये फॉर्मेट हम ही के साथ फॉलो करते हैं, ही इज इट नेम के साथ भर्ब का पांचवा या एस या ईएस रूप लगता है। इफ ही वुड कम, ये भी नहीं होगा, गलत है। इफ ही केम, ये भी देखो, केम जो हमारा है वी टू है, ये भी पास्ट टेंस की बात हो रही है, लेकिन हमें प्रेजेंट में बात करना है, और ही के साथ हम लगाएंगे यहाँ पर प्रेजेंट का कम्स, अगर वह आता है, यानी प्रेजेंट में अगर वह आता है तो फ्यूचर में हम जाएंगे, ऐसी बात हो रही है, तो इफ ही कम्स वी वुड गो, तो आंसर होगा कम्स। नेक्स्ट बोल रहा है चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग, मतलब प्रोटेस्ट का
मतलब क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। आपने सुना होगा प्रोटेस्ट मतलब किसी चीज को ऑब्जेक्ट करना, विरोध करना। तो टेस्ट अगेन टेस्ट करना तो प्रोटेस्ट का मतलब नहीं होता है। अक्सर आपने सुना होगा यार प्रोटेस्ट इसका हो रहा है। अक्सर हम ट्विटर कैंपेन या कोई भी कैंपेन चलाते हैं, SSC या कोई भी एग्जाम नहीं होता तो उसके खिलाफ, तो एक तरह का क्या है, प्रोटेस्ट है। हम जो वो डिसीजन ले रही है संस्था उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, इसी को प्रोटेस्ट बोलते हैं। टेस्ट तो होगा नहीं, एग्जामिन भी टेस्ट होता है ये भी नहीं होगा। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ वस्तु नहीं है, ऑब्जेक्ट मतलब होता है किसी चीज पे ऑब्जेक्शन डालना। टू ऑब्जेक्ट मीन्स टू प्रोटेस्ट, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, हु वाज कॉन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस लोकमान तिलक नेशनल अवार्ड 2021। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लोकमान तिलक नेशनल अवार्ड किसे मिला था? तो ये मिला था साइरस एस पूनावाला। नाम याद ध्यान रखिएगा, दो नाम है, एक आधार पूनावाला और एक साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन है और इन्हीं को ये जो वैक्सीन, अभी कोरोना जो पीरियड खत्म हुआ तो वैक्सीन बनाने के लिए साइरस एस पूनावाला को लोकमान तिलक अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, साइरस पूनावाला। नेक्स्ट, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। ये बहुत ही खास क्वेश्चन है, खासकर बिहार के एग्जाम के लिए हमेशा ये पूछा जाता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो किससे बना हुआ रहता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो बना हुआ रहता है टंगस्टन का। अब क्यों बनता है, इसके पीछे दो रीजन है। ठीक है, दो रीजन पढ़ेंगे इसमें। टंगस्टन में जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो हाई रहता है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई, और टंगस्टन का जो रेसिस्टिविटी होता है वो भी हाई रहता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और रेसिस्टिविटी दोनों हाई होने के कारण हम टंगस्टन को इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं। नेक्स्ट, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैव टू चैम्बर्ड, हैविंग टू चैम्बर्ड हार्ट। वैसा कोल्ड ब्लडेड एनिमल का नाम बताना है जिसका हार्ट दो चैम्बर का हो। अब इसमें दो पॉइंट पहले समझ लेते हैं, आंसर तो बाद में डिस्कस करेंगे। कोल्ड ब्लडेड एनिमल और वार्म ब्लडेड एनिमल का क्या कंसेप्ट है भाई? तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल उसको, उस एनिमल को बोलते हैं जो इन्वायरमेंट चेंज होने के बाद, ध्यान दीजिएगा, इन्वायरमेंट चेंज होने के साथ अपने बॉडी को रेगुलेट नहीं कर पाए, अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाए, उसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। अब जैसे मान लो फिश, कोई भी मछली, वो रहती है नदी में, अब उसको उठा के डाल दो जमीन पे तो फिश मर जाएगी, बिकॉज इट इज ए कोल्ड ब्लडेड एनिमल। वो इन्वायरमेंट चेंज होने के बाद उस टेम्परेचर पे एडजस्ट नहीं कर पाई। लेकिन ह्यूमन, ह्यूमन को आप पंजाब से उठा के दिल्ली डाल दो, वो एडजस्ट कर लेगा। तो वो हो गया वार्म ब्लडेड एनिमल, और जो फिश हो गई वो हो गई कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो जो भी मैमल्स होते हैं, ह्यूमन, बर्ड्स, ये मैक्सिमम वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। तो अब पूछा जा रहा है कि कोल्ड ब्लडेड में भी टू चैम्बर्ड हार्ट किसका होता है? तो ये होता है सार्क्स का, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है सार्क का। नेक्स्ट, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब ध्यान दो, इसमें भी नॉट लगा हुआ है, इसको मैं पहले अंडरलाइन कर लेता हूँ। फिजिकल कैपिटल मतलब क्या होता है? कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मतलब यहाँ राजधानी नहीं है, कैपिटल मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो फिजिकल नहीं है? ठीक है, अब ध्यान दो, टूल्स एंड मशीन्स, जो भी हम मशीन खरीदते हैं सामने वो दिखता है, दैट इज फिजिकल। बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट फिजिकल, रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ कुछ भी है, अगर मान लो कॉटन खरीद रहे हैं कॉटन इंडस्ट्री के लिए, दैट इज ए फिजिकल कैपिटल, पैसा लग रहा है उसका, हमको प्रोडक्ट सामने दिख रहा है। लेकिन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अब किसी को मशीन चलाना सिखा रहे हैं, तो मशीन चलाना सिखा रहे हैं तो दैट इज नॉट गेटिंग फिजिकल कैपिटल, वो उसको फिजिकल कैपिटल कोई वस्तु नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है वो हमारा फिजिकल कैपिटल नहीं है, तो यही उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 मैथ्स का क्वेश्चन है, बोल रहा है द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड। अब ध्यान देना, ये ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, जब भी लॉन्गेस्ट रॉड की बात हो यानी हमसे डायगोनल पूछा जा रहा है। अब देखते हैं किसका डायगोनल, डायमेंशन देखो 10 × 10 × 5 है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट होता है क्यूबॉइड का, लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है क्यूबॉइड में। तो पूछ रहा है लॉन्गेस्ट रॉड बताइए जो कि प्लेस हो जाए एक रूम में जिसका डायमेंशन ये है। जब भी लॉन्गेस्ट रॉड की बात हो तो चुपचाप डायगोनल निकाल देना है। देखो डायगोनल का फॉर्मूला क्यूबॉइड का होता है L² + B² + H² का रूट ओवर। तो 10 का स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया, टोटल 225।
इसका स्क्वायर रूट किया, आंसर आ गया 15। आंसर होगा इसका 15। ठीक है, ऐसे बनाते हैं इसको। नेक्स्ट एक और मैथ्स का क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रोम्बस जिसका एक साइड दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और एक डायगोनल दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं डायगोनल और ये हो गया हमारा एक साइड, ये जो 20 सेंटीमीटर है ये साइड है। अब रोम्बस का हर साइड इक्वल होता है, ठीक है, तो ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। एक और प्रॉपर्टी रोम्बस का याद रखना, रोम्बस का जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये जो ए सी जो है ये हमारा 24 है, तो ये जो पॉइंट है ओ, ये जो ओ पॉइंट है, तो ए ओ 12 होगा और ओ सी भी 12 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो हमारा इस केस में हम 20 स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ए ओ का वैल्यू हमको पता है 12 है, ठीक है, ओ बी का वैल्यू हमको नहीं पता है। हमने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया है, देखो ये ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस लगा दिया। जब आप सॉल्व करोगे तो ओबी का वैल्यू आ जाएगा 16। अगर ओबी का वैल्यू 16 आ गया तो ओडी का वैल्यू भी 16 होगा, यानी ये पूरे का वैल्यू हो गया 32। अब हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ जो दोनों डायगोनल का उसका मल्टीप्लीकेशन, तो एक डायगोनल 24 दूसरा डायगोनल 32, दोनों का जब एरिया को हाफ कर देंगे गुना करके तो आंसर आता है 384। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। डिटेल सोल्यूशन मैंने दे दिया है, आप ध्यान से आराम से पढ़ लेना। नेक्स्ट, यह कहानी एक कहानी यह भी रचना है, यानी ये जो आपने पढ़ा होगा क्लास में एक कहानी यह भी, ये एक्चुअली पूछा जा रहा है किसकी रचना है, एक कहानी यह भी कि रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनु भंडारी। ये आपने पढ़ा होगा, मनु भंडारी जी ने ये लिखी है। टोटल अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर, बहुत ही बेसिक सवाल क्लास 5-6 में पढ़ाया जाता है कि वो अर्थ का जो 71% भाग है वो पानी से घिरा हुआ है। 71% ध्यान देना, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 71 नहीं है, लेकिन सबसे क्लोजेस्ट जो ऑप्शन है वो है 75%, इसलिए आंसर 1 मार्क करेंगे। एग्जाम में ऐसा मत करना कि 71 हमने पढ़ा है तो 75 है तो ये ऑप्शन गलत है इसलिए हमको नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये 71% कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई लक्ष्मण जी का ये लकीर नहीं है कि जो 71 है तो 71 ही होगा। ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेट डाटा, तो आपका 71 से 75, 6 जो भी बोलते सब सही है। हाँ, अगर कोई 80 बोल दे तो वो सही नहीं होगा। नेक्स्ट, हिंदी का क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, मतलब पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें जो पेयर है वो सही है विलोम शब्द के मामले में। तो अनादर निरादर सेम हो गया, अनूठा बेजोड़ सेम हो गया, इशारा साइन भी सेम हो गया, गौरव और लागो ये उल्टे हैं एक दूसरे के, यानी विलोम है, यही हमारा सही आंसर होगा। चलो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग लोन्स आर टेकन बाय, SHG में यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो भी लोन लेना है। SHG होता क्या है, एक्चुअली शुरू हुआ था जो महिलाओं का एक ग्रुप बना था और वो छोटे छोटे काम करते हैं और पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं, और अगर बीच में किसी मेंबर को जरूरत पड़ा तो वो उनको वही ग्रुप जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो देती है। ठीक है, बोला कि इसमें जो लोन के लिए जो भी मैटर का डिस्कशन होता है, जो भी डिसीजन होता है वो कौन लेता है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं इसके वही इसके डिसीजन मेकर्स भी होते हैं। ठीक है, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है या इसमें कोई लीडर नहीं होता है, सब लोग जो भी डिसीजन है वो मिलकर लेते हैं। आंसर होगा बी, मेंबर। नेक्स्ट, अमन क्रॉप इज रिलेटेड विथ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अमन क्रॉप किससे रिलेटेड है। तीन वेराइटीज नाम याद रखना, अमन, ऑस, बोरो, अमन, ऑस, बोरो, ये तीनों जो ये हमारे राइस के वेराइटीज है। ठीक है, दीज आर द वेराइटीज ऑफ राइस, अमन, ऑस और बोरो, तो इसका सही आंसर होगा पैडी, धान। नेक्स्ट, हु सेलिब्रेट सरहुल फेस्टिवल, सरहुल फेस्टिवल कौन मनाते हैं। तो अगर आप झारखंड में कभी आए हैं तो आपको पता होगा जो यहाँ के मुंडा लोग हैं वो सरहुल फेस्टिवल मनाते हैं, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, बैलादिला रेंज इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट, बैलादिला कहाँ पे बसा हुआ है। तो बैलादिला जो है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर में बसा हुआ है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में, और ये फेमस है आयरन के लिए, ये फेमस है आयरन ओर के लिए बैलादिला।
वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट सेटअप इन इंडिया, भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट कहाँ बना था? ये नाम आप याद रखो, तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र में ही पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया था, ठीक है। और ये कौन से ईयर में, ईयर भी याद रखना, 1969, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है इन द स्टोरी, ये स्टोरी आपके फिर से लिटरेचर से क्वेश्चन, ये स्टोरी आपने पढ़ी होगी। इन द स्टोरी द आईज आर नॉट हियर, वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन, गर्ल जो थी उसमें वो कहाँ उतरी थी? तो गर्ल जो उतरी थी सहारनपुर में, क्यों उतरी थी? अपने आंट से मिलने के लिए, अपने आंटी से मिलने के लिए। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द सेकंड इंडियन बॉर्न वुमन टू ट्रेवल इन स्पेस, बोल रहा है कि भारत की दूसरी महिला जो भारत में जिसका जन्म हुआ और जिसने स्पेस में ट्रेवल किया वो कौन है? तो इनका नाम है सिरिसा बांडला, सिरिसा बांडला। फूड सिक्योरिटी मीन्स, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस पढ़ेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स, जी हाँ, फूड सिक्योरिटी मतलब फूड अवेलेबल हो, फूड एक्सेसिबल हो यानी सबको अवेलेबल हो, फूड अफोर्डेबल हो यानी ये नहीं कि अब चावल मिल रहा है 400 रुपये के जी, दैट इज नॉट अ फूड सिक्योरिटी। इसका मतलब तीनों ही ऑप्शन सही है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, रेखांकित पद प्रतीक है, मतलब जो पूछा रेखांकित मतलब ये रेखांकित है हमारा समुद्र, पूछा जा रहा है कि इस पोयम में जो समुद्र है इसका मतलब क्या है, ठीक है, समुद्र का मतलब क्या है, तो ध्यान देना, समुद्र शीर्षक कविता सीताकांत महापात्र द्वारा रचित है, ठीक है, इसका राइटर जो है वो सीताकांत महापात्र है। इस कविता ने, कविता में कवि ने समुद्र मतलब समाज को बोला है, समुद्र मतलब समाज को, उन्होंने बोला है कि समाज का कुछ भी अपना नहीं होता है, जो होता है लोगों का होता है, ठीक है, समुद्र मतलब यहाँ समाज से है। लास्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के फादर किन्हें बोला गया है, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ये आपको बहुत ही सबसे बायोलॉजी का सबसे पहला पॉइंट ही यही लिखवाया जाता है कि द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज मेंडल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये था हमारा पार्ट 1 बिहार मध्य निषेध एग्जाम पेपर सॉल्यूशन का। एग्जाम में अभी लेट है, एग्जाम का डेट बढ़ गया है, एग्जाम अभी नहीं होने वाला है, तो हम लोग धीरे धीरे करके और भी जितने क्वेश्चंस हैं उसको भी कंप्लीट करेंगे, जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि वीडियो में और क्या होना चाहिए, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक फॉर योर एग्जाम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।